स्पोर्ट्स शॉप बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ कर करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि स्पोर्ट्स शॉप बिजनेस क्या होता है, उनको सबसे पहले हम बता देते हैं कि स्पोर्ट्स शॉप बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कई सारे ऐसे खेल मौजूद हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं। कबड्डी हुआ, आपका क्रिकेट हुआ, आपका हॉकी हुआ, आपका फुटबॉल हुआ, रनिंग बहुत लोग करते हैं, जिम बहुत लोग जाते हैं, फिट रहने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, बट उनके लिए कुछ ना कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया, जो लोग जिम जाते हैं, जिम की अलग टी शर्ट आती है, अलग लोवर आता है। इसके अलावा अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए हाथ में ग्लव्स पहनने के लिए आते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लेग प्रोटेक्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैट हो गया, आपका बॉल हो गया, शूज़ हो गए स्पोर्ट्स के, या फिर सॉक्स हो गए, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होती हैं, और उनके लिए एक अलग पर्टिकुलर दुकान होती है, वो हर दुकान में नहीं मिलती, और उस दुकान को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स प्रोडक्ट शॉप। और अगर आप स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केवल 4 ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप स्पोर्ट्स शॉप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप स्पोर्ट्स की शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बेस्ट लोकेशन चुनना पड़ेगा जहां पर से आप ये शॉप स्टार्ट करेंगे और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और कौन सा लोकेशन होना चाहिए जहां पर आपकी दुकान चलेगी, तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा लोकेशन चुनना है जहां पर लोग एक्टिव हों स्पोर्ट्स के प्रति, जिनको पता हो कि फुटबॉल क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है, वॉलीबॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, हॉकी क्या होती है, कबड्डी क्या होता है। ऐसे एरिया में बिल्कुल भी आपको नहीं स्टार्ट करना है जहाँ पर इन सब चीज़ों के प्रति लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हाई फाई कॉलोनी देखिए अपने आसपास और वहाँ पर कोई शॉप अच्छी देखिए जहाँ आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आप इसे कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो एक ग्राउंड है जहाँ पर लोग खेलने आते हैं, उसके बाहर जहाँ पर लोग, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं आपसे। अब उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये कोई पार्क हो सकता है बड़ा सा, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा ग्राउंड हो सकता है जहाँ पर लोग खेलने जाते हों। अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो कुछ हो सकता है आपके आसपास, वहाँ आप इसे स्टार्ट करेंगे तो चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सुबह शाम वहां पर बहुत सारे लड़के आते हैं जो आपके पास से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं सीखने के लिए, खेलने के लिए। पॉइंट नंबर 2, अब उस एरिया में आपको दुकान ले लेना है और आप अपने दुकान को शुरू कर सकते हैं। बट अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि आपका जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं आपके आसपास के एरिया में, मतलब आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या खेला जाता है, क्रिकेट के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, फुटबॉल के प्रति, वॉलीबॉल के प्रति। मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ, मेरे एरिया के ऐसे लोग हैं जिनको वॉलीबॉल का कीड़ा है और वो खतरनाक से खतरनाक वॉलीबॉल खेल लेते हैं, बड़े से बड़े टीम के साथ खेल चुके हैं, वो स्टेट लेवल तक जा चुके हैं, जो कि मेरे आसपास रहने वाले लड़के लोग हैं। उन लोगों को वॉलीबॉल ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से मेरे पूरे एरिया भर में वॉलीबॉल का एक अलग ही कवरेज हो गया है, एक अलग ही पहचान हो गई है। तो मेरे एरिया में अगर आप किसी स्पोर्ट्स शॉप में जाओगे तो कुछ मिले ना मिले वॉलीबॉल से रिलेटेड सामान ज़रूर मिल जाएगा, आपका नेट हो गया, आपका बॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम वॉलीबॉल के प्रोडक्ट्स को रखेंगे तो ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड उसी की है। आपके एरिया में अलग चीज़ की डिमांड हो सकती है कि आप अपने आसपास के एरिया में घूम कर देखिए किन बंदों को क्या चीज़ें पसंद हैं और आप वो चीज़ें रखना शुरू करें अपने दुकान में। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो सही हैं पर आपको अपने कॉम्पिटिटर का भी ध्यान रखना है, देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से अपने दुकान को चला रहा हो, क्या आप उसके पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रांडेड हैं आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको छोड़कर किसी और के पास जाना शुरू कर दें, क्योंकि मान लीजिए मैं अभी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे पास कई बार ऐसे चांस आएंगे जब मेरी बॉल गुम हो जाएगी, मेरा बैट टूट जाएगा, या फिर मुझे किसी चीज़ की अचानक से ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर शॉप वाले को जानता हूँ तो तुरंत उसी के पास चला जाऊँगा। अगर मैं उसके पास गया और उसके पास वो सामान नहीं मिला तो फिर मुझे मजबूरन दूसरे शॉप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंट मुझे वो सामान चाहिए। तो आप ये देखिए आपका कॉम्पिटिटर क्या क्या रख रहा है जो आप नहीं रख रहे हैं। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो आपके कॉम्पिटिटर के पास भी नहीं होना चाहिए, और अगर उसके पास मौजूद है तो आपके पास भी होना चाहिए, तब जाकर आप मार्केट को मेंटेन रख पाओगे। वरना अगर कस्टमर को ऐसा एक बार भी लग जाता है, मान लीजिए कि आपने शुरू शुरू में कोई प्रोडक्ट नहीं रखा और कस्टमर आपके पास लेने आया है, आप वो प्रोडक्ट उसे तुरंत नहीं दे पाए, अब कस्टमर के मन में ये बैठ गया है कि भाई इसके पास तो
पूरा सामान कभी रहता ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे में आपकी दुकान के लिए जो दिक्कत हो जाएगी आगे फ्यूचर में भी, वो अपने चार दोस्तों को बताएगा उसके पास क्या जाओगे यार, उसके पास तो सारा सामान रहता ही नहीं है, और बाद में भले आप सारा सामान ले आए फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है और इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है। तो देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, एक स्पोर्ट्स शॉप के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 लाख रुपये से कम क्या इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको रखने पड़ेंगे, और अगर आप सारे प्रोडक्ट नहीं रखोगे तो आपका जो दुकान है वो खाली खाली सा लगेगा, फिर भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप छोटी सी दुकान देखिए, ज़्यादा बड़ी दुकान मत देखिए, छोटी सी दुकान जब आप देखेंगे तो फिर उसमें अगर आप 1 लाख का भी प्रोडक्ट भर देते हैं तो फिर वो पूरी दुकान पूरी तरीके से भरी नज़र आएगी और आसानी से लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो दुकान भरी देख कर ही अधिकतर आते हैं। अगर बड़ी दुकान ले लेते हो फिर आप पूरी भर नहीं पाओगे, फिर खाली खाली सा लगेगा, भले सामान आपके पास ज़्यादा है पर फिर भी बड़ी दुकान अगर रहेगी तो खाली खाली सा लगता है थोड़ा बहुत, छोटी रहेगी तो कायदे से भरी रहेगी, अच्छा लगेगा देखने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 लाख रुपये मान के रख लीजिए आपका ये हो गया। और इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें, अगर आपका अच्छा खासा चलना शुरू हो जाता है और अच्छे खासे लोग आपके पास आने लगते हैं, आपकी एक कस्टमर बेस बन जाता है एक टाइम के बाद, तो आप 1000 से 2000 रुपये भी डेली का बचा सकते हो स्पोर्ट्स शॉप में, क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बट अगर आप ब्रांडेड चीज़ें रखते हो तो उसमें इतने पैसे नहीं मिलते हैं, बट अगर ब्रांडेड के अलावा अदर चीज़ें रखते हो तो फिर आप उसमें 100% तक का भी मार्जिन ले सकते हो। अब जैसे हम ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड में क्या होता है कि 20 से 30% का मार्जिन जो होता है फिक्स रहता है आपका, वही आपको मिलता है। बट अगर आप ब्रांड से हटकर चीज़ें रखते हो तो वैसे में क्या होता है कि आपका 50% से लेकर 100% तक का भी मार्जिन मिल सकता है, मतलब 50 की चीज़ आप 100 की भी बेच सकते हो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो किस तरीके से आप स्पोर्ट्स शॉप के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।